खबर शामिल करते हैं। हाकम अली मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला मलीर के इलाका दरसाना छन्नों की रहायशी 80 साल गुलजरीना इंसाफ के लिए सहाफ़ियों के सामने रो पड़ी। मेरे नवासे को झूठे केस और मौत मार धमकियाँ दी जा रही हैं। मेरी ज़मीन पर बिल्डर माफिया की जानब से ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। मेरी तमाम फैमिली को जान का ख़तरा है। आला हुकाम से तहफ़ और इंसाफ का मुतालबा। ज़िला मलीर के इलाका दरसाना छन्ना की रहायशी 80 साल गुलजरीना जोजा मोहम्मद पना इंसाफ के लिए सहाफ़ियों के सामने रो पड़ी। 80 साल गुलजरीना ने रोते हुए सहाफ़ियों को बताया कि मेरी दरसाना छन्ना दे दरसाना में सर्वे नंबर मरोसी ज़मीन है, जिस पर बिल्डर अरमानुल्ला जोकियो, जुल्फकार जोकियो और ग़ुलाम मुर्तज़ा जोकियो की जानब से ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, जबकि ज़मीन का केस नंबर 159/23 सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। हालांकि ज़मीन पर गैर कानूनी काम रोकने का कोई कोर्ट स्टे आर्डर मौजूद होते हुए बिल्डर अरमानुल्ला जोकियो और इसके सहूलतकार ज़बरदस्ती खुले आम कानून की खिलाफवर्जी करते हुए दीवार का काम जारी रखे हुए हैं। हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सिंध हाई कोर्ट, वज़ीर आला मुराद अली शाह, आई जी सिंध, DSP इनक्रोचमेंट, DG रेंजर्स, DC मलीर, SSP मलीर समेत तमाम कानूनी इदारों से अपील की है कि बिल्डर माफिया की जानब से गैर कानूनी तौर हमारे ज़मीन पर चलने वाले काम का फिल फौर नोटिस लेकर कायमशुदा दीवार को इनक्रोचमेंट किया जाए। हमें कानूनी तहफ़ फराहम करके बिल्डर अरमान उल्ला जोकियो, जुल्फकार जोकियो और ग़ुलाम मुर्तज़ा जोकियो के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए।